করতে গরম খাবেন খট। तो पहले एक पराठा लेते हैं उसको रैबिट के मीट के साथ। पहली बार रैबिट का मीट खा रहा होगा, ऐसा होगा पता नहीं। कच्चा गरम खावें खान, ना खेले ढोक गिले चले जान। अरे खान शेडीम शेडीम नॉइ एक कड़ी में डबल बिची की करे हो। भाबार बाहरे भाई भैया का रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला है ये वाला, जो भी खाएगा वो भी पछताएगा, नहीं पछताएगा। बाटे खान बाटे खान हाथे चूरी बाटे नून पूरी खान। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जीनी भाई। भैया पूरा एकदम मौज में रहते हैं, अपना डायलॉग खुद ही कहते हैं। चलो बंगाली है वो लोग समझेंगे कि गाली है, लेकिन स्टाइल स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस। तो बीआरटी स्टेशन में हम लोग आज आ गए हैं बॉबी भैया के दुकान में, एंड इधर आपको मिल जाएगा 25 आइटम नॉन वेज एंड वेज सब कुछ एकदम सिंपल प्राइस में मिल जाएगा आपको। वेज आइटम्स देख लो सामने रखा हुआ, एंड उधर है पूरा आपका नॉन वेज आइटम्स, जिसमें मीट मिलेगा आपको हर एक टाइप का। मटन है, लैम्ब है, पोर्क है, इधर देखो पोर्क भी है, एंड इधर चिकन एंड मटन लीवर फ्राई से शुरू करके आपको मिल जाएगा। इधर लैम्ब भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ मिलेगा मटन चूस्ता एंड और भी चीज़। डबल कुसुम का अंडा भी मिल जाएगा इधर आपको। बॉबी भैया सुबह 6:30 से लेके रात को 1:30 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते इस दुकान में, बनाने से लेके सर्व करने तक, दोपहर का लंच से शुरू करके सुबह का ब्रेकफास्ट और साथ में रात का डिनर एंड इवनिंग का स्नैक्स आपको सब कुछ मिल जाएगा इस एक छोटे से दुकान में। भैया ये क्या है? देसी मुर्गी। देसी मुर्गी का देखो बेटा पर पीस कितना करके? 4 पीस 100 रुपया, 25 रुपया पीस। 25 रुपया पीस, वाह वाह। तो समझ सकते हो कितना सस्ते रेट में आपको दिया जाएगा इधर सब कुछ। देख लो उसका ग्रेवी यूज़ किया जा रहा है, एंड पीस देख के लगभग लग रहा है कितना ग्राम का होगा एक पीस? बेटा 70 ग्राम। 70 ग्राम का एक पीस रहेगा, वाह। गर्मा गर्म धुआं उठने वाला देसी चिकन। छोटे से दुकान में आपको मिल जाएगा बहुत सारे आइटम्स, जैसे 25 टाइप के आइटम्स, वेज आइटम्स भी है नॉन वेज आइटम्स भी है, एंड नॉन वेज आइटम्स में बहुत सारे टाइप्स के आपको मीट मिल जाएंगे, जैसे इधर मटन, फिर देसी मुर्गी, फिर चिकन नॉर्मल पोल्ट्री वाला, उसके साथ साथ आपको रैबिट का मीट, ये है रैबिट का मीट, इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा मटन लीवर फ्राई, लैम्ब का स्टोमक एंड लीवर फ्राई, साथ में मिल जाएगा पोर्क एंड बहुत सारे और भी आइटम्स, जैसे लैम्ब, लैम्ब का भी मीट मिलता है इधर। एंड बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुम तक पहुँचा देने में हेल्प करती है, तो वही है। एकदम शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किए हैं भैया, और अभी इधर बहुत सारे आइटम्स बनते हैं एंड कस्टमर का भीड़ तो देखने लायक बनता है। अभी फिलहाल मैंने जब गया था उधर तो देखा मैं कि पलक झपकते 2 घंटे के अंदर सारे के सारे फूड आइटम्स जल छपाछट मैंने सेल हो जा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ रोटी बनता है, पराठा बनता है, राइस भी बनता है एंड फ्राइड राइस भी बनता है, और सब कुछ भैया अकेले हाथ में करते हैं, यही सबसे अनोखी बात है इस दुकान का। मानकुंडू के बेबी दी का वीडियो तो याद ही होगा, और इधर है हमारे बॉबी दा जो अकेले इतने सारे आइटम्स बनाते हैं और सभी बहुत ही टेस्टी होते हैं। दोनों के दोनों ही बहुत बढ़िया कुक है एंड इनका कुकिंग तो लाजवाब है, दूर से ही आपको भूख लग जाएगा जैसा मेरे को भी लग गया था। ये है भेड़ का मांस, देख लो इसे भी मटन कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। 4 पीस 200 रुपया, 4 पीस 200, 1 पीस 50 रुपया। रैबिट का मीट कभी देखे हो क्या? ये देखो रैबिट का मीट, बोलते हैं बहुत सॉफ्ट होता है रैबिट का मीट, ठीक है, तो आज हम लोग रैबिट का मीट भी टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा होता है। जस्ट देख लो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में आपको मिल जाएगा रैबिट का मीट, एंड उसके साथ साथ और भी सब कुछ बन रहा है अभी भी। तो शाम को 5 बजे से आपको ऑल आइटम्स मिल जाएगा। हमारा रियाजी खासी कितना ग्राम? 50 रुपया पीस। 50 रुपया पीस, तो 1 ग्राम में कितना रहता है? 65 ग्राम। वाह वाह वाह, जस्ट एक बार पीस देख लो, सुंदर सुंदर पीस है, लाल लाल पीस।
तो देखो फिलहाल के लिए हम लोग अभी आ गए हैं बिराटी स्टेशन एंड इधर दुकान में अभी जस्ट भीड़ लग गया है, देखिए ठीक है। तो जो लोग इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो उनके लिए मैं बता दूं कि आई एम राजदीप, यू आर वॉचिंग फूड ऑफ फन एंड आज हम लोग खाने वाले हैं कुछ अनोखे मीट एंड उसके साथ साथ आपको बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। प्राइस तो बहुत ही रिजनेबल है एंड देखो दुकान का भीड़ कैसा लग गया है। भैया के दुकान में बॉबी भैया का दुकान बहुत ही छोटा दुकान है लेकिन उसके अंदर इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऊपर से चल गया शाही गरम मसाला एंड अभी ये रेडी हो गया सर्व करने के लिए। इससे पहले से सबको इधर खा रहे हैं खाना, आप देख सकते हो। तो अभी हम आपको सबे प्राइस बता देंगे। तो भैया बॉय भैया थोड़ा सा दाम बता दीजिए सबका, इधर से शुरू करिए। देसी मुर्गी गिले मेटे अच्छी है, देसी मुर्गी का वो स्टमक और लीवर, अच्छा 60 का प्लेट, अच्छा 60 रुपीस प्लेट, चार पीस 100 रुपीस, अच्छा ये रैबिट है, रैबिट है, अच्छा कितना है, चार पीस 100 मुर्गा है, देसी मुर्गा 25 रुपया पीस, पीस ये अंडा 8 रुपया पीस, डबल बिछिया, डबल बिछिया, डबल बिछिया है ये, ओके डबल ही हो। देसी मुर्गी 15 रुपया पीस, अच्छा ये 15 रुपया पीस देसी मुर्गी, देसी मुर्गी का अंडा हाँ 15 रुपया पीस, अच्छा ये है डक का वो एक वो है 15 रुपया प्लेट, 15 रुपया पीस, ये पोल्ट्री का अंडा है नॉर्मल अंडा 10 रुपया पीस, अच्छा ये चिकन का स्टोमक एंड लीवर है 30 रुपया प्लेट, मटन कसा अच्छे 25 रुपया पीस, चार पीस 200 रुपया मटन है, चार पीस 200 रुपया 50 रुपया पीस, देख लो बड़ा साइज के मटन है, तभी तो हम दिखाए थे 72 ग्राम का, ये ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का कसा, चिकन कितना है, 50 रुपया पीस है, पोर्क है, पोर्क पीक जो क्या था 30 रुपया प्लेट 12 रुपया, अच्छा 16 रुपया 12 रुपया, हाँ डक का एक का करी है 16 रुपया और इधर ये नॉर्मल हेन का है 12 रुपया,30 रुपया प्लेट, चना 20 रुपया प्लेट, तड़का 30 रुपया प्लेट, सोयाबीन 20 रुपया प्लेट, पनीर 40 रुपया प्लेट, पनीर 40 रुपया, कितना पीस, दुकान खुली सकाल 7 बंध रात একটা, खबर खेते रात 1 बजे तक, खबर खेते हो 11 आगे आते हो, 11 पर किसी पावे ना डिम शुद्ध पावे ऑनली, अच्छा रात 11 के पहले खाना खाने के लिए आना पड़ेगा नहीं तो आपको सिर्फ मिलेगा अंडा बस ऑनली। एंड बॉबी सिंह, बॉबी सिंगो सिंगो मतलब बॉबी दा बोलले सबै छै बॉबी दा, बॉबी देख लो कोई कोई एसो भवाड़ बाईड़ी रूपा मीट शॉप, यस भवाड़ बाईड़ी, एकदम भवाड़ बाईड़ी भाई, एडीम शेडीम नय एक्टरी में डबल बिची की करे होय, भवाड़ बाईड़ी भाई, दारुन दारुन दारुन, बहुत बहुत कुंदा तरीके से इनका स्ट्रेटजी है। एंड कितना आइटम बनाते हैं एक दिन में आप, 26 आइटम ना, 26 से बेसी होय, ओ 26 27 आइटम तक चल जाता है। एंड अभी फिलहाल बहुत आइटम बाकी है, अभी दोपहर का बज रहा है कुछ आप देख सकते हो 2, एंड अभी हम लोग खा लेंगे, ठीक है। मेरे को चाहिए पहले जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है रैबिट, ठीक है सर। तो कितना साल से का दुकान है आपका, हमारे दुकान में बहुत छोटी 31 बच्चों 31 ईयर से आप इधर ही दुकान, यही कोई लोकेशन पे, तो 31 ईयर से क्या सब कुछ मिलता था कि नहीं पहले, एंड ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, खासियत है इतना जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने इधर आया था, मैं कितना बज रहा था, 12 बज रहा था, अभी 2 बज रहा है, 2 घंटे के अंदर देख लो 2-3 आइटम खत्म हो चुका है, वो फिर 4 बजे के बाद होगा रेडी, तो आप समझ सकते हो हाथ में थोड़ा सा टाइम लेके आना, ठीक है, आके मत डिस्टर्ब करना भैया को, वीडियो बनाने आ रहे हो तो प्लीज पोलाइटली आना एंड पोलाइटली काम करना अपना। शाम को 5 बजे, जैसा आप सुन सकते हो शाम को 5 बजे के बाद ही आइएगा, तो वीडियो आपको बहुत आराम से मिलेगा, आइटम्स भी सब कुछ मिलेगा एंड भैया का थोड़ा सा रश भी उस टाइम में कम रहता है, तो इस दोपहर को आके रश में आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, सब आइटम्स नहीं दिखा पाओगे।
ठीक है, एंड बाकी आपकी मर्जी है। एंड ये तो लोकेशन बहुत ही ईजी है, देख लो मेरे उल्टा तरफ बीजाटी स्टेशन फ्लाईओवर एकदम, ये दो नंबर प्लेटफॉर्म है, देख लो दो नंबर प्लेटफॉर्म एंड फर्स्ट, उसके बाद ये सेकेंड वाला दुकान ही इनका है। ये हमारा चुस्ता बन के रेडी, चुस्ता भी ढाला जाएगा, गर्मा गर्म चुस्ता एकदम बन के रेडी। खाने के बाद कूदेगा सब कोई? खावर पड़े वाला की खेला हूँ, किसी खेलो ना, आवार खाओ, आवार खाओ, आवार बैठे, आवार बैठे। इतना सुंदर डायलॉग देते हैं ना भैया, कि सुनने में भी मजा आ जाता है। रखी खावे। एक रैप का बहुत याद आ गया, चूल्हे में चिंगारी, सर पे है छत, बदन पे कपड़े, तो जिंदगी मस्त एकदम, अकेले हाथ से सब कुछ करते है, एक कोई नॉन स्टॉप मतलब फुल ऑन एनर्जी के साथ, तो फुल ऑन एनर्जी तो। एंड दिन में सब दिन खुला रहता है ना, साल के 365 दिन खुला रहता है, समझ सकते हो डेडिकेशन, इसीलिए शायद 31 साल से ये दुकान है। एंड काफ़ी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किए हैं इन्होंने अपने इस छोटे से दुकान में, इतने टेस्टी एंड क्वालिटी वाले आइटम्स देखे। ये हो गया मेरा रैबिट को फ्राई, गर्मा गर्म रैबिट फ्राई, तो इधर देखो गर्मा गर्म कर दिया गया है, ऊपर से गार्निशिंग भी कर दिया गया है कोरिएंडर लीव्स के साथ। एंड उधर मेरा पिग मतलब पोर्क फ्राई किया जा रहा है, उसको फिर लेंगे हम लोग, मतलब हम आज तीन सब्जी के साथ एक पराठे के साथ अपना दोपहर का लंच करेंगे इधर। एंड आपको रिव्यू में बताएंगे कि कैसा लगता है, क्या टेस्ट है, क्वालिटी है एंड एवरीथिंग, तो देखते रहो। थैंक यू। पॉर्क का मीट जैसा आप देख सकते हो, मेरा प्लेटर पूरा रेडी हो गया है। इधर है रैबिट का मीट फ्राई करके गार्निशिंग कर दिया गया है। एंड ये है हमारा देसी मुर्गी, वाह वाह वाह। तो पहले एक पराठा लेते हैं उसको रैबिट के मीट के साथ, पहली बार रैबिट का मीट खा रहा होगा इस, कैसा होगा पता नहीं। रैबिट का मीट ना थोड़ा सा ड्राई रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है, तो आप खाओगे तो च्यूवी एक तो नेचर है रैबिट के मीट में। एंड इसके साथ साथ आपको मिलेगा मसाले का बहुत ही उमदा सा तड़का, जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। पता नहीं, रैबिट का मीट फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई, कोई स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्टी है। ट्राई करेंगे पराठा को पोर्क के साथ, पोर्क का मीट। मैंने पहले एक रेस्टोरेंट में पोर्क खाया था इससे पहले, लेकिन अभी स्ट्रीट साइड पोर्क पहली बार खा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एवर। चलो सॉफ्ट सक्यूलेंट पीस है पूरा एकदम पोर्क का, एंड मुंह में जाते हैं ना पिघल जा रहा है पूरा। मैं पोर्क के ऊपर उतना ज़्यादा मैंने क्या बोलूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है। सच में अच्छा लग रहा है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पोर्क है ना कितना सॉफ्ट है, मैं बोले थे रसगुल्ला, सच में रसगुल्ला ही है पूरा एकदम सॉफ्ट है, मुंह में देते ही माउथ मेल्टिंग, अंदर जाके पूरा मेल्ट हो जा रहा है। सही है, लेकिन रेड मीट है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाया जाएगा, गर्मी लगेगा अभी तो। फिलहाल अभी विंटर्स का टाइम है, थोड़ा थोड़ा विंटर्स है, थोड़ा थोड़ा मैंने क्या बोला स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, तो ये मैनेजेबल है। देसी मुर्गी को थोड़ा सा पराठे के साथ टेस्ट करते हैं, देख लो देसी मुर्गी पराठे के साथ, इससे पहले भी मैंने खाया है देसी मुर्गी, सेम टेस्ट, बहुत मस्त लग रहा है, लग रहा है घर का ही खाना है। और मेरे सामने बनाया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, अंदर सभी मेरे को देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं। चलो मैं खाना कंप्लीट करता हूँ, ठीक है।
तब तक आप एक काम करो, लाइक कर दो इतना दूर देखने के लिए, क्योंकि भाई इतना दूर आया हूँ सिर्फ ये कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। एंड सच में ये रिकमेंडेड जगह है बॉबी दा का, ये छोटा सा दुकान आपका दिल जीत जाएगा। एंड खाने के बाद आपको मिल जाएगा ऐसे फ्री में हजमोला, हाथ अगर भरा देता हूँ खाली है, देखो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं भैया, वाह इसके अंदर है ठीक है। तो देखो मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है खाना पीना, ठीक है अभी फिलहाल पूरा कंप्लीट हो चुका है, साथ में मिल गया फ्री का हजमोला या फिर क्या बोलते हैं अजवाइन। एंड उसी के साथ साथ मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि आप लोग भी आओ, BRT स्टेशन में है पूरा एकदम प्लेटफॉर्म पे ही, तो आके खा के देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको, खाना पीने का क्वालिटी, खाना की क्वालिटी पूरा एकदम एक क्लास है। हाँ थोड़ा सा पॉर्क नहीं, वो रैबिट थोड़ा सा और बॉयल होता इससे बस वो हो जाएगा तो सब ठीक है। एंड हाँ शाम को 5 बजे के बाद ही आना आओगे तो ठीक है। और एक चीज़, जैसे मैं हर एक वीडियो को एंड करता हूँ ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दो ठीक है, लाइक करो, फॉलो करो, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है। एंड मिलते हैं ऐसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट एंड खाते रहो, टाटा।